तो गाइज अगर आप YouTube पे हो, स्ट्रीमिंग करते हो या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपको माइक की रिक्वायरमेंट है, आप कुछ रिकॉर्ड करते हो, गाना है, पॉडकास्ट है, कुछ भी है, तो माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए लेके हम आपके लिए माओनो का AU-AO03। ये हमारा कंडेंसर माइक है, ये नॉर्मल माइक से थोड़ा अच्छा होता है, इसकी मतलब वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करेंगे, गूगल भैया जिंदाबाद है, आप गूगल कर सकते हो क्या होता है कंडेंसर माइक। हम आपको दिखाएंगे ये वाला माइक, और इस माइक की जो कीमत है 3000 से लेके 3500 के बीच में होती है। तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो उस लिंक से बाय कर सकते हो। और करते हैं फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग, इसको कंपैरिजन भी कर लेंगे। मैं बोया BY-M1 यूज कर रहा हूं, इससे भी कंपेयर कर लेंगे, और जो मैं स्ट्रीमिंग के लिए यूज करता हूं बोया का BY-MM1, उससे भी कंपेयर कर लेंगे, वो भी लगभग 1600-1700 आता है। और बोया की BY-MM1 की अनबॉक्सिंग ऑलरेडी है चैनल पे, और BY-MM1 की क्या अनबॉक्सिंग देखोगे, मैं बोल रहा हूं, ये आप सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसकी आवाज सुन पा रहे हो, तो इसकी कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, बॉक्स खोलने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा निखिल भाई को, जिसने मुझे माइक प्रोवाइड किया। तो ये हमारा बॉक्स, तो ये अमेज़न वगैरह की टेप थी, तो वो उसने फाड़ दी है, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है। अब एक एक्साइटमेंट होती है ना जब घर में गैजेट आता है, तो आप भी एकदम सोचते हो बस खोल के देख ले, तो ऐसे उसने भी खोल के देख लिया, अब हम भी खोल के देख लेते हैं। तो बॉक्स की कोई इतनी खास अच्छी हालत है नहीं, तो बॉक्स के आउटर्स पे क्या ही नजर मारनी है, देखते हैं सीधा बॉक्स के अंदर गए हैं, बस MRP चेक कर लेते हैं। 499 इसकी MRP, आप यहां पे देख सकते हो 499। ये उसको लगभग 3500-3600 का पड़ा था, बाकी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब क्या प्राइस चल रहा होगा तो उस हिसाब से आप देख लेना, प्रेजेंट डेट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक छोटा सा पेपर वर्क, जिसको हम कभी नहीं पढ़ते, हमारे किसी काम का भी नहीं है, हम सब जानते हैं हमारा टेक चैनल है। फिर एक यहाँ पे आपको विंड मफ देखने के लिए मिलता है जो आपके माइक के ऊपर लग जाएगा, एक आपको पॉप फिल्टर देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हमारे कोई अजीब से वर्ड होते हैं जिसे बोलते हैं हमारे मुंह से थूक बाहर आ जाती है, और जैसे गुफ्तगू, तो इस पॉप फिल्टर का काम क्या होता है, जैसे हमारे कुछ प्लोजिव वर्ड्स होते हैं जैसे हम बूम बोलते हैं या फिर एक्सप्लोजिव लाइक फ हो जाता है ना, तो फ को बचा लेता है, मतलब समझ रहे हो ना कि जिसमें थूक बाहर आ जाए, सॉरी। तो उसके बाद हमारे को अंदर एक बूम आर्म देखने के लिए मिलती है, एक XLR to 3.5mm वाली केबल देखने के लिए मिलती है, एक आपको यहाँ पे स्प्लिटर देखने के लिए मिलता है जो 3.5mm टू यहाँ पे फीमेल 3.5mm मिल जाएगा, जिसमें माइक और एक हेडफोन स्प्लिट हो रहा है, और ये दो वेलक्रो स्ट्रिप मिलती है। और इस स्ट्रिप का काम क्या है, जब हम इसको बूम आर्म पे लगाएंगे तो जो वायर जा रही होगी हमारी, उस वायर को हम इस पे स्ट्रिप से लगा सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सेटअप क्लीन एकदम साफ सुथरा सेटअप दिखाई दे, तो उसके लिए थोड़ा काम आएगा। एक ये बूम आर्म का होल्डर है, एक ये आपका माइक का शॉक माउंट है, और ये है आपकी सबसे मेन आइटम आपका माइक। आप देख सकते हो क्या प्यारी लुक है इस माइक की, माओनो कंपनी का है ये, और आप मतलब लुक देखो यार। तो ये तो सारे थे आपके इनबॉक्स कंटेंट्स, अभी सब कुछ रखते हैं साइड में, और अब इसको करते हैं माउंट अपने टेबल के साथ, और देखते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। BY-MM1 की आप सुन रहे हो, और इसकी वॉइस क्वालिटी अब आपको सुनवाते हैं, और BY-MM1 से भी फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड लेट्स सी हाउ मच डिफरेंस इट क्रिएट्स। तो गाइस सबसे पहले इसको माउंट करना देख लेते हैं कि इसको माउंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये आपको अपने टेबल पे फिक्स करना है, तो ये बहुत इजी है, आपको जस्ट इसको लूज करना है यहाँ से और वहां पे इसको लॉक कर देना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे माउंट, भाई मेरी टेबल ये बहुत मोटी है तो इस वाली में माउंट हो गया आराम से। फिर इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होल है, अब आप यहाँ से इसको लूज कर लोगे यहाँ पे, लूज होने के बाद, और जो ये वाला आप देख रहे हो आम, जो आपका ये बूम आम है, इसका ये वाला पोर्शन है, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी बूम आम यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, और ये फुली एडजस्टेबल है 360 डिग्रीज, या आप उसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एंड नाउ वी हैव द शॉक माउंट, और शॉक माउंट में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो वो इसके ऊपर लग जाएगा बहुत इजीली। तो यहाँ पे हमारा लग गया है शॉक माउंट, और ये शॉक माउंट भी एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको लूज करके एडजस्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप इसको टाइट भी कर सकते हो, तो वहीं पे एडजस्ट हो जाता है। फिर गाइस आता है हमारा माइक, माइक लगा लेंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लिप है, तो इस क्लिप को होल्ड करके लूज करेंगे और इसके अंदर आ जाएगा आपका माइक। तो माइक अब हमने इसके अंदर कर दिया एडजस्ट, अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं अपना विंड मफ। तो ये लगा दिया हमने इसके ऊपर विंड मफ, जिससे हमारी जो हवा वाली आवाज है वो सब रुक जाएगी, जो हवा एक्स्ट्रा नॉइजेस होती है। उसके बाद आती है हमारे पॉप फिल्टर की बारी, ये जो पॉप फिल्टर है ये आपका इस वाली आर्म पे लग जाएगा और ये आ जाएगा आपके माइक के सामने। तो ये लगा लिया हमने इसके ऊपर पॉप फिल्टर, आप देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल सी लुक आ रही है। अब इसका हमें जस्ट कनेक्शन करना है अपने पीसी के साथ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपने सारा सेटअप हमने यहाँ पे बना लिया है। अब सबसे पहले हम इस माइक को टेस्ट नहीं करेंगे, ये वाला आप सुन चुके हो, BY-MM1 सुनवा देता हूँ आपको सबसे पहले। तो ये हमारा BY-MM1, इसकी अनबॉक्सिंग देख लेना, और उसमें टेस्ट भी है इसका, और अब टेस्ट इस वीडियो में भी हो जाएगा। आप इसको सुनेंगे और उसके बाद इसको सुनेंगे, क्योंकि ग्रेजुअल रेट्स हैं इनके। ये 700-800 रुपए का होता है, ये 1500 से 2000 के बीच में होता है, और ये 3000 से 3500 के बीच में होता है। तो पहले सस्ता, फिर उससे महंगा, फिर सबसे महंगा। तो गाइज अब जो आप आवाज सुन रहे हो वो BY-MM1 के मेरे हाथ में। तो ये शॉटगन माइक है, डायरेक्शनल होता है, जिस डायरेक्शन में होता है उस तरफ ये आवाज कैच कर लेता है। अगर ये दूर से भी करोगे तो भी काफी अच्छी आवाज रिकॉर्ड कर लेता है, और ये आवाज बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, बिल्कुल भी मतलब एकदम बिल्कुल नेचुरल साउंड है। मैं विंडोज के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बिल्कुल आप नॉर्मल साउंड है। और ये वाला माइक भी आप अपने कैमरा से फिक्स कर सकते हो, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, मैं फोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इतनी लंबी तार नहीं हो पाती, इतनी दूर फोन पड़ा है,
तो ये भी मैं पीसी से कनेक्ट करने वाला हूँ नॉर्मल विंडोज रिकॉर्डर पे, और इसकी आवाज आप सुन चुके हो। तो हमारा माउना वाला माइक कनेक्टेड है, तो अब आप इसकी भी आवाज सुन सकते हो। मैं थोड़ा सा दूर से बोल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा साइड से बोल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर, आप कैसी आवाज आ रही है। और अगर हम पॉप फिल्टर को हटा देते हैं उसके बाद आवाज कैसी है, और अगर हम विंड मफ को भी हटा देते हैं तो आवाज कैसी है। तो ये सारे चेक्स अब आपके सामने हो गए हैं, कंपैरिजन आपको पता लग गया होगा कि सारे माइक्स में कितना 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 डिफरेंस है। और ये माइक मैंने जब लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट किया था तो इतना इसका आउटपुट नहीं मिला था, क्योंकि कंडेंसर माइक है, इसके लिए मेरे को साउंड कार्ड यूज़ करना पड़ा। तो मैंने यूएसबी वाला साउंड कार्ड यूज़ किया, उसके बाद इसका प्रॉपर आउटपुट आया, वरना ये बहुत बहुत ही कम आवाज़ पकड़ रहा था। तो अगर आप ये लेने वाले हो तो साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, वरना मैं डेस्कटॉप पे चेक कर लेता तो मैं कुछ उसके बारे में बोलूंगा नहीं। बट ये लैपटॉप पे काफ़ी आवाज़ कम पकड़ रहा था। हाँ, इसको हम फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी आपको साउंड कार्ड चाहिए होगा, क्योंकि ये कंडेंसर माइक है, फिर से बताता हूँ। तो इसको प्रॉपर आउटपुट के लिए साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब बता देना कैसा लगा आपको, और कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो वीडियो में तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो और व्यूअर्स के लिए हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सजेशन हो जाएगा। बाकी मिलता हूँ किसी बढ़िया नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।